Hi, hello, namaste friends, welcome to Sharani Indo Greek Cooking. Today I am going to show you how to make bread kajargi sweet. Today we will make a tasty laddu. We have made 4 bread, 1 tablespoon butter, 50 gram sugar, 100 gram doodh, 2 medium size grate kiya hua kajar, kuch dry fruits, jaisa pumpkin seed, dry cherry, ड्राई क्रेप्स, काजू बादाम जो भी है, अगर आपके बच्चे खा सकते तो ले लीजिए, नहीं तो सिंपल भी बना सकते हैं। सो आइए बनाएंगे काजर ब्रेड की लड्डू। सबसे पहले ब्रेड को छोटे छोटे पीसेस करके इसको पाउडर बनाकर निकालेंगे। इस तरीके से ब्रेड को पाउडर बना लिया। अभी जो ड्राई फ्रूट्स है ना, इसको भी थोड़ा पाउडर कर लेंगे। अभी ड्राई फ्रूट्स को भी हमने पाउडर बना दिया। सो अभी स्टार्ट करते हैं लड्डू बनाने। सबसे पहले गैस ऑन करके कढ़ाई रखेंगे, उसमें जो बटर है बटर डाल देंगे। बटर मेल्ट होने देते हैं। बटर मेल्ट हो गया है, अभी इसमें जो हमने करट रखा है डालकर मिक्स करेंगे। तो लाइट सा मिक्स करना है, इसमें बटर में करट मिल जाए। सो अभी इसमें दूध डालेंगे, अभी इसमें शुगर भी डाल देंगे। सो अभी इसको सब मिलकर रेडी होने तक मिक्स करेंगे 2 से 3 मिनट। इस तरीके से धीरे धीरे कुक होने देते हैं। अभी ये कुक होना है, डालकर 1 मिनट हुआ है और 2 मिनट इसको कुक करेंगे। अभी गाजर ऑलमोस्ट कुक हो गया है। अभी इसमें जो ब्रेड पाउडर रखा है ना हमने, ये डाल देंगे। ब्रेड को पाउडर कर रखा है ना, इसको डालकर मिक्स करेंगे। इसके साथ मिक्स होना है, अच्छी तरीके से ये मिक्स हो जाएगा। देखिए कैसे मिक्स हो रहा है ना। सो इसको इसी तरीके से मिक्स करना है। गाजर, दूध, शुगर सब एक साथ ब्रेड के साथ मिलना चाहिए। ऐसे 2 मिनट इसको मिक्स करेंगे। गाजर तो ऑलरेडी कुक हो चुका है, जस्ट ये सब एक साथ मिलने के लिए इसको मिक्स करेंगे। सो रेडी हो गया है, इस तरह होना चाहिए। अभी इसको गैस बंद कर देते हैं, इसको ठंडे होने देंगे, उसके बाद इसको लड्डू बनाएंगे। अभी थोड़ा से तेल ले लीजिए या देसी घी, उसको लेकर इस तरह थोड़ा से हाथ में ले लेंगे। लेकर ऐसे बॉल्स बनाएंगे, ये आराम से आ जाएगा। इसके अंदर जो पाउडर कर रखा ड्राई फ्रूट्स हमने, इसको रख देंगे। रखकर ये सब बाहर ना आए, इस तरीके से इसको बंद कर लेंगे। क्यों, बाद में ये थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा, इसलिए पहले हम इसको लड्डू बना देंगे। इस तरह बहुत ही टेस्ट होगा, अच्छा लगेगा। सो आपके पास नारियल पाउडर है, उसके ऊपर ऐसे एक डिजाइन के लिए लगा सकते हो, नहीं तो मैंने ब्राउन शुगर लेकर रखा है, ये भी अच्छा लगेगा देखने में भी। सो इसको ऐसे रखी जाएंगे। इसी तरह हमने सारा लड्डू बना दिया है। इधर देखिए, नारियल पाउडर भी लिया थोड़ा से, जिस अपना दिया फिर थोड़ा सा ऐसे कर दिया, नारियल पाउडर के ऊपर डिप कर निकाला है। बहुत ही अच्छा लगेगा, कलरफुल, इतने टेस्ट फटाफट बन जाएगा, हेल्दी भी है, बच्चे भी बहुत ही पसंद करेंगे। देखिए ना कितना कलरफुल अच्छा लग रहा है ना। सो बनकर तैयार हो गया है हमारा टेस्टी हेल्दी काजर ब्रेड की लड्डू। आप भी बनाकर देखिए, बहुत ही अच्छा लगेगा, बच्चे बहुत पसंद करेंगे। जो ड्राई फ्रूट्स नहीं खाते हमारे बच्चे, उनको इस तरीके से बनाकर खिलाइए, आराम से खाएंगे, टेस्ट भी डिफरेंट लगेगा। सो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट रेसिपी में मिलेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय।